अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। आज हम सुनने वाले हैं भाई हर जस का गाना, और हमेशा की तरह गान मराऊं, रिकॉर्डर खोल दूं यार। चल भाई, हाँ तो भाई आज हम सुनने वाले हैं हर जस का गाना जिसका नाम है K3G। इसका मतलब क्या है मेरे को बिल्कुल नहीं पता, इसका मतलब होगा मेरे को नहीं पता ब्रो, कमेंट कमेंट में आई शो दिस टू हरजस सेट एंड नाउ ही इज लिविंग हरजस स्वीट। खैर हाँ यार, मुझे पता चला हरजस ने कर्मकार छोड़ दिया, सैड रिएक्शन, ओनली दिस 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 इज द चाय पी लो। तो भाई आज हम सुनेंगे हरजस का गाना, और बिना टाइम जाया किए बाबा जी, यस कमांडो। कुछ ना कह रहा मेरी जान को, चाहे मेरी जान लो, तुमसे ज्यादा सिद्धि हूँ मैं, चाहे बुरा मान लो, गाने मेरे डाउनलोड कर ले तू पहुँच छोड़, मैं ना कोई संत तू मेरे पाँव छोड़। अंडरग्राउंड वाले देखे मुझे नीचे से, मेनस्ट्रीम वाले मुझे तो घसीटेंगे, बचाना मुझे पैसा नहीं चाहिए, प्यारे ही दे दो हम प्यारे से जी लेंगे। एक और झूठ अभी मैंने बोल दिया, इन्हें लगता मैं बन नहीं सकता बोहेमिया, लव अफेयर्स तेरे सारे नकली, पहले सपनों को थोड़ा फिर तुझे मैंने गोद लिया, बच्चे उछलते इनको कुचल के, हम गए ऊपर फिर बिल्कुल बदल गए, दिल खोल के खर्चे मैं रखता हूँ पर्चे, ऐसा करते ना दिल से निकलते, सबको पता है मैं दिल में बसा हूँ, ना कोई अकड़ सबसे मिलने लगा हूँ, तुझको भुलाने में फंसा पड़ा। यार ये कौन है लड़की, यार ये मेरे को मिल जाए मैं पैन जबरदस्ती पकड़ के कहना कि अल तू फर, यार तू फर ला, तू जिंदा रह सानू बख्श दे, हद हो गई यार अर्जस, कुछ मतलब छोड़ दे तुझे। मैंने भाई 100 दफा कहा कि दिस इज द जिंदाबाद, मैं हूँ मैं खाना जो नशा कर रहा हूँ, तुझको हर रहा हूँ फिर नंगा नचा हूँ, मैं तो किसी से कोई पंगा ना चाहूँ, फक द फ्लो मेरी बातें सुनो, तैयाशी वाली ही रातें चुनो, एक ही बार है जीना तो जीना पसंद मुझे, कितनी बरसात यू नो, नीली सी रात में तुम ही हो साथ में, सिंधी से गाने सुनने बब्बू माने के, सब तू जाने के जान की दर जा रही है, जान लेती तू जैसे तू सरकारी गाड़ी है, हर जस बेबी हर बारी भारी है, यह सर्कस तू करतब दिखा रही है। ओह मैं बहुत सख्त लौंडा हूँ, लेकिन ये लौंडा मेरा का मेरा लौंडा खराब कराएगा। उफ आए गर्मी, पता मुझे मेरे घर कब आ रही है, तुम्हारी भर कम धरती हिला रही है। ब्रो बीट इतनी को पुंड भार दी है ना, जिसकी को हद नहीं, जनरल बात है, गैंगस्टर वाइब है ब्रो पूरी। मेरे घर में आइयो अकेली, सादा से सादा बुलाइयो सहेली, आधा मैं आधा खाऊंगा दोनों को, आओ कभी बेबी मेरी हवेली, राज है खोलूंगा नहीं, राज है मेरा पर बोलूंगा नहीं, टूटा है दिल तभी पैसा कमाना है, लैम्बो में बैठ के रोलूंगा, कभी खुशी कभी गम तेरी, टूटा है दिल तभी पैसा कमाना है, रोलूंगा मैं कभी लैम्बो में। ओ भाई अरे बाप रे, उसी बड़ी नम मैं हूँ, चूसी बड़ी कम, मेरी बंदी सनम, मेरी बंदी बसम, मेरी मंदी खत्म, मेरे मन की कसम, अपना बनता खसम, मेरा घंटा हसम, तेरी दाने का डबल, मेरा सने का दखल, खुला बैठे का बखल, तेरी खैची शक्ल, कपड़े पहनती कतल, बाप काफी बड़े होते हैं जी, मेहनत के फल, तेरी बीवी पर ताना है, टीवी पर आना है, रोज करने शोज ना, ये सीडी का जमाना है, जोश में नहीं होश, मैंने बीवी के मर जाना है, सीधी सी है बात, तुमने तेरी करके खाना है, आधा बड़ों का और छोटों से प्यार, गाली नहीं मारूं मैं नोटों से। एक दफ़ा फिर होना चाहिए, बेगैरत हो तुम लोग, लेकिन आपके साथ एक दफ़ा ये करने शोस ना, ये सीडी का जमाना है, जोश में नहीं होश, मैंने बीबी के मर जाना है, सीधी सी है बात, तुमने टेढ़ी करके खाना है, आधा बड़ों का और छोटों से प्यार, मैं नोटों से प्यार, रोज सहलाते हैं मौज उड़ाते हैं, पर करता कभी ना गोटों से प्यार, प्यार Thank you.
अरे बाप रे यार, जस्ट पहले तो मैं बोल दूं कि मुझे नहीं पता आप कलमकार से ये बंदा निकल गया हुआ है या चला गया हुआ है, क्यों चला गया हुआ है, क्या ये सच है क्या नहीं, आपकी अदालत में रात को 69 बजे, तो देखना ज़रूर। खैर बात वही बात है ब्रो, हरजस तुम्हें पता है मेरे चंद आर्टिस्ट हैं जो मुझे बहुत पसंद है, उनमें से हरजस एक आर्टिस्ट है। मैं हमेशा इस बंदे की फ्लो की बात करता रहता हूँ क्योंकि फ्लो यार, जब कोई फ्लो की बात करता है ना तो मुझे बड़ा लोग बंदा चुतिया लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसको समझ नहीं आ रही इसलिए वो फ्लो की बात कर रहा है। कि हरजस के पास बेसिकली टेक्निकली चीज़ें हैं जो इसके पोजेज हैं और जो अब ये रैप में अपनी चस एक वाइब देता है। अब यार मैं भाई रोहन हूँ, मैं रोहन हूँ तुम मुझे मान लो, नहीं मैं हूँ। अब मेरे को वो लफ्ज़ नहीं समझ आते, मैं किसना तुम्हें अपने जज्बात बयान करूँ। तो जो टेक्निकली वो चीज़ें करता है ना ब्रो, वो मतलब नज़र आ रही है लेकिन उसको क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द या लफ्ज़ क्या मैं उसको दूँ नाम, इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, वो मुझे नहीं आता और मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता, मैं एक रैंडम व्यूवर बनना चाहता हूँ, तुम लोगों को पता रहन की। तो इतने मज़े से ये लफ्ज़ों को लेकर आता है और पीट टॉप मतलब टन जहाँ पे वो ऐसे हुआ ना भाई, मुझे मारो, आ जाओ सालो मुझे मारो। तो एंड है यार ब्रो, मुझे इसके गाने पसंद है, मुझे आर्टिस्ट पसंद है बेसिकली। हाँ कुछ मुझे गलत नज़र आए तो मैं कभी ज़िंदगी में बोलूँ, लेकिन अब अभी से मुझे एक ही चीज़ गलत नज़र आ रही है जो कि मैं बार बार इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि मैंने जहाँ तक सुना है कलमकार ने कहा हरजस ने छोड़ दिया हुआ है। लोग बोल रहे हैं हरजस ने भी कोई पोस्ट डाली थी क्यों छोड़ रहा है, किस वजह से छोड़ रहा है, इससे मुझे घंटा नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे ये है कि कलमकार के ज़रिए मैं इससे पहले हरजस को नहीं जानता था और सच बोलूँगा, झूठ नहीं है। कलमकार का मैंने जो पहला गाना सुना था ना वो हरजस का ही सुना था, वो था पहला प्यार था क्या, पहला नशा, जिसमें स्नूकर में वो खेल रहा था यार, मुस्कान की मुस्कान पर मैंने लिख दिए गाने, कुछ ज़्यादा ही लाइन ऐसी, तो मैंने वो सुना और हरजस की वजह से सुना मैंने। उसके बाद मुझे पता चला था कि हाँ कलमकार भी कोई चीज़ है, कोई एक लेबल है जो रैप, और मुझे पता नहीं था कि रफ्तार की, तो ये है मुझे अच्छा लगता है, मैं इसका गाना सुनते हुए मुझे मज़ा आता है। वही अलग बात है टेक्निकली चीज़ों में मैं घुस नहीं सकता और मैं घुसना भी नहीं चाहता, गूगल पे चीज़ें सर्च करूँ तो 2 दिन में बंदा सर्च कर, नहीं मैंने नहीं करना, मेरा जिसम मेरी मर्जी, इट्स हर चॉइस, तुम्हारी माँ की आँख। खूबसूरत गाना ब्रो, ये तो गाड़ियों में भी बजेगा, हर जगह बजेगा, तुम्हारे घर भी बजेगा, तुम टेंशन ना लो, बस वीडियो ना दिखाना, नहीं तो लोग कहेंगे तुम चनके के फ़ैन हो। खैर बहुत सस्ता जोक मारा, मज़ा नहीं आया, मैं तो आप लोगों को यार किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी हरजस भाई ऐसे गाने बनाते रहना, आप लेवल के मतलब सीरियसली, मिलता हूँ आप लोगों को यार किसी अगली वीडियो में बाबा जी, तब तक के लिए कोई गलत बात बोल दी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट के अंदर बता देना, नहीं तो यस कमांडो।